गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में ही कोरोना वायरस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताए जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी हमारी वुहान शहर से। तो वुहान क्या है? वुहान एक चाइना का एक शहर है। अगर मैं चाइना की कैपिटल की बात करूँ तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है? तो कोरोना का जो नया नाम है वो है COVID-19, जिसमें से CO का मतलब है कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़ और 19 से है हमारा ईयर जो कि है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो कोरोना वायरस की जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की वो की है WHO ने। तो WHO क्या है? WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल को। और अभी हमने हाल में ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है, वो भी हमारा 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा जो है वो हमारा भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को अस्थाई रूप से क्या नाम दिया गया है? तो इस वायरस का जो नाम है वो है 2019 COVID। ये इसका अस्थाई नाम है, मतलब कि टेम्परेरी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें आपको कोरोना वायरस से जो लक्षण है उसके बचाव के लिए क्या क्या आपको सावधानियां करनी है वो आपको सारा का सारा उस ऐप में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन US डॉलर की देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने, जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए एक फंडिंग के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये करता है हमारे फेफड़े को, जिससे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है? मतलब कि जब हम कोरोना वायरस की संरचना को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है एक क्राउन की तरह, मतलब मुकुट की तरह, जिसको हम ताज बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो ये की गई है हमारी WHO के द्वारा। तो WHO हमारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो ये तैयार की जा रही है SS Basan के द्वारा, जो कि भारत के एक साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस शब्द किस भाषा का है? तो ये जो शब्द है ये है हमारा लेटिन भाषा का। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब ऐसा हमारा भारत का राज्य है जिसने पूर्ण कर्फ्यू लगाया था और ये सबसे पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पूर्ण कर्फ्यू जो था वो पंजाब ने लगाया था, और पूर्ण लॉकडाउन जो लगाया था वो लगाया था
राजस्थान ने। तो राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत के किस राज्य में मिला था? तो कोरोना वायरस का जो फर्स्ट हमारा मरीज था वो मिला था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैटबॉक्स करके एक फीचर है जिसमें आपको कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आ जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं है। तो RT-PCR से हम कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी की फुल फॉर्म है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 से संक्रमित होने वाले दुनिया की पहली मरीज का नाम बताएं। तो जिनको सबसे पहले कोरोना हुआ था, मतलब कि COVID-19 हुआ था, उनका नाम है बेई गुई जियोन, जो कि चाइना की थी और ये 57 ईयर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस को हराने के लिए Team-11 की स्थापना की है? तो ये की है यूपी के द्वारा Team-11 की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 अब नए शेड्यूल के अनुसार कब होंगे? तो ये 2020 में होने थे, लेकिन अब इनकी टाइमिंग चेंज कर दी है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो अब ये होंगे 22 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस शब्द और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है तुर्मेकिस्तान ने। इसने यहाँ पर कोरोना वायरस का शब्द और मास्क पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो कोरोना वायरस जो है वो हमारा RNA वायरस है, विच मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2020 को किसने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था? तो ऑपरेशन नमस्ते जो था वो भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया था, जिसके कि चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से किस देश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं हमारी चाइना में। चाइना में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंता वायरस मनुष्य में किससे फैलता है? तो ये फैलता है चूहों के द्वारा, हंता वायरस चूहों से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रिंसेस मारिया टेरेसा का COVID-19 से निधन हो गया? तो ये थे हमारे स्पेन के, जिनका कि कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में लॉकडाउन के दौरान कहाँ पर मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी तमिलनाडु में, जिसमें कि शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक ने, जिससे इस ऐप की मदद से हमें संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल में ही अगले 100 दिनों के लिए किसे आवश्यक वस्तु घोषित किया है? तो अभी जो हमारे आवश्यक वस्तुएं हैं वो हैं हैंड सैनिटाइज़र और मास्क। इनको भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित किया है। अगर किसी भी वस्तु को आवश्यक घोषित करना है तो वो अधिनियम 1955 के तहत घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही किस राज्य सरकार ने हर घर बने पाठशाला अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, जहाँ पे जो बच्चों के माता पिता हैं वही उनके टीचर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप, जिसकी की हेल्प से भारत में जो भी कोरोना वायरस के मरीज हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनके लक्षण के बारे में बता सकते हैं और उनके बचाव के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट,
तो आपने एक वर्ड सुना होगा क्वारंटीन। तो क्वारंटीन है क्या? तो क्वारंटीन का मतलब है कि एक अस्पताल का अलग कमरा है जहाँ पे आने जाने पर रोक लगाई गई है और 14 डेज़ का समय इसमें दिया गया है, जिसमें से खुद बीमारी से बचना है और दूसरों को भी बीमारी से बचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।